लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले तमाम एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं, कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं, गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को टाइम्स नाउ नवभारत के एग्जिट पोल के मुताबिक 358 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल में साफ तौर पर एनडीए गठबंधन की सरकार तीसरी बार बनती नजर आ रही है। कल चुनाव रिजल्ट में भी अगर इसी तरह के नतीजे रहते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों का भारत के साथ साथ पूरे विश्व में चर्चा की जा रही है। इस बीच चीन के सरकारी अखबार और मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एग्जिट पोल में बन रही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर एक लेख जारी किया है। ग्लोबल टाइम्स के लेख में कहा गया है, सर्वे से पता चल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में जीतने की संभावना है। इस पर चीनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी समग्र घरेलू और विदेश नीतियां पहले की तरह ही बनाए रखेंगे। वो भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की कोशिश जारी रखेंगे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी एक्सपर्ट्स ने भारत और चीन के बीच सहयोग पर जोर दिया। उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए खुला संवाद बना रहेगा। उनकी विदेश में नीति में किसी तरह का बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। मैं बीजिंग के सिंगवा विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय रणनीतिक संस्थान में अनुसंधान विभाग के निदेशक कियान फेंग ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद मोदी का ध्यान कुछ सालों में देश को अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर होगा। मोदी के रणनीतिक दृष्टिकोण में कूटनीतिक माध्यम से भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। लेख में कहा गया, भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन के साथ संबंधों के प्रति रणनीतिक दृष्टिकोण बनाए रखें। बातचीत के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने के लिए चीन के साथ भारत को सहयोग करना चाहिए। चीन और भारत के बीच टकराव बढ़ने की संभावना नहीं है। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिकी सहयोगियों समेत कई देशों के साथ चीन के संबंध अब सुधरने लगे हैं। ऐसे में तमाम एग्जिट पोल्स आने के बाद एनडीए की सरकार बनती हुई भारत में नजर आ रही है, जिसके बाद भारत के तमाम दुश्मन देशों के सुर बदले नजर आ रहे हैं। इनमें चीन और पाकिस्तान खास तौर पर है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।